नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है UP SSC NM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए। फटाफट दोस्तों 100 क्वेश्चन जो है कर लेते हैं, थोड़ा तेज़ी से करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। आप लोगों की परीक्षा 8 मई को है, जल्द ही एडमिट कार्ड भी जारी होने वाला। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो दूसरी भी एनम बहनों का भला हो जाएगा। बहुत सी एनम बहनों के पास प्रॉपर वे में जो है प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और स्टडी मटेरियल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट और मॉडल पेपर पाने के लिए। मैं एक भी रुपए आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ, टोटल सब कुछ जो है फ्री है जितने मॉडल पेपर हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आते हैं। बीटा ब्लॉकर नहीं देनी चाहिए दोस्तों, किन्हें नहीं देनी चाहिए, क्या बोला इसमें पूछ रहा है। कह रहा है कि पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में जो है नहीं देना चाहिए। दोस्तों मेनोपॉज का मुख्य कारण क्या होता है, तो मेनोपॉज का मुख्य कारण जो होता है इस्ट्रोजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर द्वारा प्रसूत किया जाता है, तो दोस्तों क्या करते हैं, एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सर्विक्स को पकड़ने के लिए वल्सेलम पकड़ जो होता है, वल्सेलम फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं सर्विक्स को पकड़ने के लिए। ये सर्विक्स कहाँ पर होता है दोस्तों, आप लोग को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, निम्न में से कौन सी प्रसूति संबंधी चिमटी जिसको फोर्सेप चिमटी नहीं है, इसमें जो होती है जो प्रसूति जब वो कराया जाता है, डिलीवरी कराई जाती है, उसमें भी तमाम फोर्सेप वगैरह, चिमटी वगैरह, कैंची वगैरह लगती है, तो इसमें पूछ रहा कि एक नहीं है, तो वह कौन सी नहीं दोस्तों, हर्निया जो होती है नहीं है, बल्कि सिस्ट, लैंप और फिस्टुला, ये सब जो होता है, लेकिन यह चिमटी यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय टीका है, तो दोस्तों कौन सा दोस्तों एक निष्क्रिय है, IPV। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, शुद्ध और पीने योग्य पानी कहलाता है, शुद्ध और पीने योग्य पानी जो होता है दोस्तों वह पोर्टेबल वाटर जिसको हम कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, स्तन के दूध में एक को छोड़कर सभी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वह कौन सा होता है दोस्तों, सोडियम नहीं पाया जाता है, और काफ़ी और लैक्टोज, फूफा, लैक्टोलिबियम यह सब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन शहरी समुदाय की विशेषता है, दोस्तों आप इंग्लिश टर्म भी यूज कर सकते हैं, अगर हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में भी अगर देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है सी होगा, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, बहुजातीय जनसंख्या। WHO कब स्थापित किया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1948 में। इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, तो दोस्तों कौन सा फैलता है, एड्स फैलता है। किसके द्वारा कीटाणु रहित प्लास्टिक सिरिंज, दोस्तों देखिए प्लास्टिक सिरिंज किसके द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है, प्लास्टिक सिरिंज और स्टरलाइट बाई, तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, हॉट एयर ओवन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, सिफिलिस में काजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिफिलिस एक बीमारी होती है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, ट्रोपेनेमा पैलेडियम जो होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, एनाफ्लैक्सिस के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जाती है, तो दोस्तों कौन सी दी जाती है, एपिनेफ्रिन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, प्री रीनल फेलोर किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों किसमें पाया जाता है, हार्ट फेलोर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, पेरिटोनियम की सूजन को किस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह हम दोस्तों पेरिटोनिटिस कहते हैं, पेरिटोनिटिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, दूर की दृष्टि का आकलन इनमें से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों इसमें स्टेनले चार्ट के द्वारा किया जाता है, स्नेलन चार्ट जो होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर, टाइफाइड बुखार का उदाहरण है, तो यह क्या होता है दोस्तों, एक्यूट इन्फ्लामेशन जिसको कहते हैं, यह टाइफाइड बुखार का उदाहरण है। एट 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी यूटराइन फंड्स इन पैल्पेबल एट, इसमें पूछ रहा है कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष निम्न पर स्पर्शनीय नहीं है, तो वह दोस्तों किस पर नहीं है, लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बिलिकस, नाभि के निचली सीमा पे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं,
दोस्तों मेरी क्लास जो एकदम फ्री है, कोई भी आपको चार्जेज नहीं देना है। यूट्यूब पर बहुत से जो है बहुत से चैनल वाले आपसे जो है चार्जेज ले रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई चार्जेज नहीं, मैं फ्री में आपकी मदद कर रहा हूँ। बस चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, बहुत से मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, किसके दौरान कापर टी का विपरीत संकेत होता है? तो दोस्तों किसके द्वारा होता है, इसमें गर्भावस्था, ऑल ऑफ द ऑप्शन इसमें दिया है दोस्तों, तो सोड में संक्रमण और हार्ट डिजीज। अगर ऐसा कुछ है तो दोस्तों, अगर मतलब इस तरह का है जिसे प्रेगनेंसी है, पेल्विक इन्फ्लामेशन है, हार्ट डिजीज है, तो हम कापर डी टी जो है नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन उत्सर्जित होता है किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? वह दोस्तों होता है सिनक्रिस्टोफोब्लास्ट के द्वारा, सिनक्रिस्टोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्टा न निष्कासित करना, इनमें से किसका संकेत है? तो वह दोस्तों किसका संकेत है, हिर्सस्प्रिंग रोग का संकेत है। 24 घंटे प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्ठा पूछ रहा है दोस्तों, जो मिकोनियम होता है, फर्स्ट फेलियर टू पास मिकोनियम विद इन फर्स्ट 20 हावर्स है, तो उसको हम दोस्तों हिर्सबर्ग रोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, एक महिला में प्रजनन काल के दौरान मासिक धर्म का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है? अगर महिला का जो है दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन प्रश्न पूछ रहा है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, मतलब प्रजनन काल के दौरान मासिक धर्म का अनुपस्थित होना, इसको हम एमनोरिया कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नमूने के परिवहन में देरी की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों केप्ट एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए। शिशुओं में डीपीटी प्रबंधन का अनुशंसित स्थान है, तो दोस्तों कौन सा है, जांघ का पार्श्व भाग जो होता है, जो डीपीटी का टीका लगता है लेटरल थाई पे लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, दवाओं को के रूप में भी जाना जाता है, तो किस में जाना जाता है दोस्तों, एंटीसाइकोटिक दवाओं को जो है, जो न्यूरोलेप्टिक दवा होती है दोस्तों, सॉरी न्यूरोलेप्टिक ड्रग आर आल्सो नोन एज एंटीसाइकोटिक ड्रग, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो न्यूरोलेप्टिक होते हैं एंटीसाइकोटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, निम्न में से कौन अल्जाइमर डिमेंशिया का संकेत नहीं है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही उत्तर दीजिएगा दोस्तों, कौन सा है, वजन का कम होना यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं कौन सी होती हैं? ऑक्सीटोसिन होती है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेशन करने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग हम करते हैं? तो दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फास्फोरस विषाक्तता के लिए एंटीडॉट के रूप में उपयोग की जाती है? तो वह कौन सा होता है दोस्तों, एट्रोपीन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों कौन है, यह सिगमंड फ्रायड हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, पित्त किसमें संश्लेषित होता है? तो दोस्तों यह किसमें होता है, लीवर में होता है, जिगर में। जीवन शैली जिसमें हद धमनी हृदय धमनी रोग विशेषक विकसित होने का अधिक जोखिम है, वह कौन सा होता है? तो दोस्तों वह होता है आसीन जीवन शैली, जिसे हम कहते हैं से। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है, तो किस प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्व होता है दोस्तों, ब्रीदिंग में होता है। मीडिएटिक आई ड्रॉप्स का क्या कार्य है? तो दोस्तों क्या कार्य होता है, यह आँख की पुतली में फैलाव के लिए करते हैं, मीडिएटिक आई ड्रॉप्स होता है। आमतौर पर एक बच्चा सीढ़ियों पर कब चढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, तो वह जो है कब चढ़ता है दोस्तों, जब 24 महीने का हो जाए। आमतौर पर एक बच्चा सीढ़ियों पर कब चढ़ता है, आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो 24 महीने का जब हो जाता है तब सीढ़ियों पर चढ़ता है। एक नए जन्मे बच्चे में प्रति मिनट औसत सामान्य श्वसन दर क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्या होती है, 30 ब्रीथ पर मिनट होती है। शराब की लत से जुड़े रोगियों के लिए प्रारंभिक पुनर्वासक कौन होता है? 38 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, तो कौन सा होता है दोस्तों, क्लाइंट, जिसको हम रोगी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, ओ सॉरी 49 पर। तो 49 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग की पहचान करने का सबसे विशिष्ट जांच विधि है? इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिटेक्टेड सीजर, तो EEG जो होता है यही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, मूत्र नलिका को विसंक्रमित करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो दोस्तों क्या है, हार्ट एयर स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, मच्छर के काटने से होने वाली निम्नलिखित सभी बीमारी हैं एक को छोड़कर, इसमें सिवाय जब पूछा तो एक को छोड़कर, तो वह कौन सी है दोस्तों, सार्स जो होती है यह मच्छर से नहीं होती है, लसिका फिलारियासिस ये भी होता है, मलेरिया डेंगू ये सब मच्छर के काटने से ही होते हैं लेकिन सार्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, निम्नलिखित सभी संक्रमण RNA वायरस से होता है एक को छोड़कर, तो वह कौन सा है दोस्तों, स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, दोस्तों मेरी क्लास में कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सभी वीडियो आपको मिलेंगे और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। कोई चार्जेज नहीं है, आपको निःशुल्क जो है क्लास से दी जा रही है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों किसी भी चैनल के माध्यम से आपको नहीं मिलेंगे, जो मैं आप लोगों के लिए यह स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, छोटी बूंद संक्रमण के कारण होने वाले रोग जो टीके से रोकने योग्य हैं वे सभी हैं एक को छोड़कर, तो दोस्तों पोलियो जो होता है। क्वेश्चन नंबर आपके 44 पर आते हैं, लंबे समय तक कपास फाइबर धूल को सांस के साथ लेने का परिणाम क्या होता है? तो वह दोस्तों होता है बाइसिनोसिस जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, इसमें पूछ रहा है कि फिमोसिस त्वचा के छिद्र को पैदाइशी संकुचन होता है ताकि इसे वापस नहीं खींचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 46, तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन होता है? तपेदिक मतलब दोस्तों ट्यूबरकुलेसिस के लिए जो उसका होता है कौन होता है, तो दोस्तों 46 का ऑप्शन आपका हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इंग्लिश टर्म को दोस्तों जरूर देखा करिए अगर हिंदी में समझ में ना आए, संकेन फॉन्टलेन इज साइन इन मतलब धंसा हुआ तालू क्या दर्शाता है? तो दोस्तों क्या दर्शाता है, तो यह दोस्तों डिहाइड्रेशन दर्शाता है, निर्जलीकरण जिसको कहते हैं। गंभीर पेशी हास विकासीय रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपचय किस रोग के लक्षण से के रोग के लक्षण है? तो दोस्तों यह कौन सा होगा, इसमें से मैरास्मस होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, तो 49 में पूछ रहा, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। युवाओं में विटामिन डी की कमी से होता है, तो युवाओं में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, प्रोटीन की उपापचय का मुख्य पदार्थ होता है, तो दोस्तों यह कौन सा होता है, यूरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोसीजर यूटराइन कैविटी के विजुलाइजेशन हेतु काम में लिया जाता है? तो यह दोस्तों लिया जाता है हिस्टेरियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए, तो दोस्तों क्या की जानी चाहिए, गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, आकार को सीमित करने और जन्मों के बीच के अंतराल को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका निम्न द्वारा है, तो दोस्तों कौन सा होता है निम्न द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग। डंपिंग सिंड्रोम एक समस्या है, तो क्या समस्या है दोस्तों, सब टोटल गैस्ट्रोटॉमी। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, यदि आंत की गतिशीलता बढ़ती है तो औषधि का अवशोषण बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, लंबर वर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन कौन सा वर्टिब्रा के मध्य पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है दोस्तों, L5S1 में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है दोस्तों, सियाटिक जो होती है यही होती है सबसे बड़ी। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, अस्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द है, 59 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्या है, तो स्टर्नम जो बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, ग्रहणी हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रहणी हार्मोन कौन सा है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं,
61 में पूछ रहा है दोस्तों, महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का भौतिक आधार दोस्तों प्रोटोप्लाज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं दोस्तों, अभी विमोचन किए गए मानव अंडे में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों क्या होगा, 1X गुणसूत्र होते हैं, 1X क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, मेकवेन का संकेत निम्न में से किस स्थिति का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? तो दोस्तों किसका लक्षण है ये, हाइड्रोसेफलिस का है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, बुडजिंस्की का संकेत एक विशेषता है, तो दोस्तों वह क्या होता है, मेनिनजाइटिस जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, छोटे शिशुओं के लिए सबसे मूलभूत भावनात्मक कार्य होता है, तो दोस्तों क्या होता है ये, इंडिपेंडेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, निम्न में से किस अवस्था में इंट्रा आकुरल प्रेशर बढ़ता है? तो दोस्तों किस में बढ़ता है, ग्लूकोमा में। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं, विटामिन सी का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो विटामिन सी जो होता है दोस्तों महत्वपूर्ण आंवला में ज़्यादा पाया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन में रिसाव होने पर निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप उचित नहीं है? तो दोस्तों क्या नहीं है, साइट की मालिश करना या रगड़ना। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं दोस्तों, द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज नोन एज, मतलब बंधता रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है, विटामिन ई होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक नवजात शिशु को विटामिन के का एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देती है, इंजेक्शन का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इंजेक्शन का उद्देश्य जो होता है इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, इंटेस्टाइनल फ्लोरल के स्थापित होने तक सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं, मरीजों में तपेदिक की प्रथम वर्ग की दवा देने पर किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो दोस्तों किसकी कमी हो जाती है, पाइरिडॉक्सिन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं, जल में घुलनशील विटामिन की पहचान करें, तो जल में घुलनशील विटामिन जो होती है दोस्तों फोलेट होती है। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं दोस्तों, इनमें से कौन मैरस्मस रोग के लक्षण नहीं है? तो सीवियर वॉमिटिंग मतलब रोज उल्टिया, यह जो है मैरस्मस का लक्षण नहीं है, बाकी यह सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या होगी? तो दोस्तों क्या होगी, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, मरीज को किस अवस्था में एनीमा दिया जाता है? तो किस अवस्था में दोस्तों, लेफ्ट लेटरल मतलब बाएं करवट, फुल फॉर्म ऑफ DOTS, फुल फॉर्म ऑफ DOTS का डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का माध्यम क्या है? तो दोस्तों क्या होता है ये, मतलब इसमें पेरेंट्रल आंत्रे करके जिसको कहते हैं, इसमें देखिए दोस्तों पेरेंट्रल समझ में आ रहा है हेपेटाइटिस बी का, अब हिंदी में आंत्रे हैं, आंत्रे आप क्या समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, ब्लीडिंग फॉर्म द नोज इज नोन एज, मतलब नाक से रक्तस्राव कहलाता है, तो नाक से रक्तस्राव जो क्या कहलाता है दोस्तों, इपीटैक्सिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, एक रक्त कैंसर से पीड़ित 4 वर्षीय बच्चे को कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है, बालक अस्पतालीकरण से डरा हुआ है, बच्चे के डर को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें से कौन सा होगा, बच्चे के अभिभावकों को बच्चे के साथ ठहरने को प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, आंतों के जीवाणु के संश्लेषण में मदद करता है, तो दोस्तों क्या करता है, विटामिन सी जो हो, विटामिन के जो होता है दोस्तों, सी नहीं, विटामिन के जो होता है आंतों वाले में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कितने जो होते हैं, 24। क्वेश्चन नंबर आपके 83 पर आते हैं, मध्यान्ह भोजन योजना में भोजन की खुराक कम से कम प्रदान करनी चाहिए, तो कितनी करनी चाहिए दोस्तों, 300 कैलोरी, 8 इसमें दिया गया है, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी ऊर्जा जो है दी जाती है। 84 पे आते हैं, हिपेटिक एंसिलोपैथी के रोगी को कौन सा भोजन नहीं दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों अंडा नहीं दिया जाता है, वसा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा की मात्रा है, तो दोस्तों क्या होती है, 9 किलो
9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। एनआरएचएम का पूरा नाम पूछ रहा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में, क्वेश्चन नंबर 87 पर दोस्तों, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो यह कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों, TDP। निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है, तो कौन सा दिया जाता है दोस्तों, मिजल्स, खसरे का जो टीका होता है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिसे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कम आती है, यह सत्य है दोस्तों। स्टरलाइजेशन टेक्निक क्या, बंध्याकरण का तरीका है, तो बंध्याकरण का तरीका जो होता है दोस्तों वैसेक्टोमी, नसबंदी जिसको कहते हैं। गर्भकालीन अवस्था होती है, तो गर्भधान से जन्म तक इसमें पूछ रहा है, फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं, गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे कम होने पर अनीमिया माना जाता है, तो दोस्तों क्या माना जाता है, इसमें 11 ग्राम DL रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 93 पाते हैं, जल की अस्थाई कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं, तो दोस्तों क्या डालकर, लाइम को डालकर, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा 93 में, लाइम को डालकर, लाइम मतलब चूना को डालकर जल की अस्थाई कठोरता को दूर कर देते हैं। खाद किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है, तो दोस्तों वह कौन सा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 95 आते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है, तो दोस्तों किस में होती है, प्योर घी में होती है। क्वेश्चन नंबर 96 पाते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा होता है, टीसी रिपेयर, ऊतकों की मरम्मत के। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं, तो भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र होता है, क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है। WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है, तो दोस्तों कौन सी होती है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति, बल्कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं, 99 पे दोस्तों पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो दोस्तों 99वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें आपका हो जाएगा मिट्टी के प्रतिरूप बनाना, तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका, कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक। उसका पूर्व बुनियादी शिक्षा MK गांधी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है आपका 8 जुलाई को, सॉरी दोस्तों 8 जुलाई नहीं 8 मार्च को होता है, ऑप्शन इसका 4th हो जाएगा। फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मिट्टी के प्रतिरूप बनाना जो होता है यह होगा आपका कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक है। पूर्व बुनियादी शिक्षा जो होता है एमके गांधी जी के द्वारा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। ICDS में पोषण के लाभान्वित जो होते हैं 8 जुलाई को होते हैं। दोस्तों यह ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट हो रहा है, 8 जुलाई नहीं दोस्तों, यह ऑप्शन आपका ये होगा। ICDS में पोषण के लाभान्वित जो होंगे यह 6 माह से 72 माह के बच्चे, सॉरी दोस्तों ये आंगनबाड़ी वाला है, ये सही है, अब जाके जो है आपको सही हुआ है, मतलब ए का जो है तीसरा है, बी का जो है पहला है, और सी का जो है चौथा है, और डी का जो है दूसरा है। यह ऑप्शन आपका है मिट्टी के प्रतिरूप बनाना, ऑप्शन तीसरा कल्पना शक्ति ओम सृजनात्मक, पूर्व बुनियादी शिक्षा एमके गांधी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ICDS जो होता है ये आंगनबाड़ी का होता है दोस्तों, होता है 6 माह से 72 माह के बच्चों के लिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन को ऐसे मिलान करिए, मिलान करने के बाद जब एकदम करेक्ट लगे तभी आप उसको लगाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से, देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रक्तचाप बढ़ता है, मतलब इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, फ्लूड रिटेंशन ये भी सही है, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम ये भी बढ़ता है, यानी ऑल ऑफ एवम। अगर सोडियम मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है भोजन में, तो आप लोग को पता है BP बढ़ जाता है, बार बार पानी पीने का मन करता है, और बढ़ा हुआ रक्त का आयतन भी हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं 100 क्वेश्चन करा दिया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।